और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें पाली से, जहां पर सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाला मास्टरमाइंड राजस्थान से आरोपी को मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कस्टडी में लिया है। जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कस्टडी में लिया गिरफ्तार आरोपी ने ही फायरिंग का पूरा प्लान बनाया था। और देखिए, नागौर के बासनी गांव का रहने वाला है आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी, मुंबई के कुर्ला इलाके में चलाता है चाय की होटल। आरोपी के गांव होने की जानकारी पर बासनी पहुंची थी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम, और टीम के गांव पहुंचने से पहले आरोपी ट्रेन से रवाना हो गया था बांद्रा के लिए। और देखिए, टीम ने पीछा कर 6 मई को जिले के मारवाड़ जंक्शन से अपनी कस्टडी में लिया आरोपी को। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रही है, बांद्रा में अपनी चाय की दुकान ही चलाता था। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष बने हुए हैं। सुभाष, देखिए, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने का जो मास्टरमाइंड था उसकी जो कस्टडी है वो ली गई है, क्या है जानकारी आपके पास? इंद्रजी, आपको बताना चाहूंगा कि अप्रैल माह में फिल्म अभिनेता सलमान खान के निवास स्थान पर सुबह 5 बजे जो फायरिंग हुई थी उसको लेकर क्राइम ब्रांच ने पूरा मामला दर्ज किया था और उसकी जाँच कर रही थी। इसी दौरान जो इसका मास्टरमाइंड है मोहम्मद रफीक चौधरी, जो नागौर जिले के बासनी का है, इसके इनपुट मिले थे जिस पर क्राइम ब्रांच ने लगातार इसकी जांच की। जब इसको एहसास हुआ कि क्राइम ब्रांच उसके पीछे भी लगी है तो ये भागकर अपने गांव बासनी आ गया था और यहां छिप कर रह रहा था। इसी बीच इनपुट मिलने पर क्राइम ब्रांच मुंबई की टीम बासनी गांव पहुंची थी, लेकिन इससे पहले 6 मई को आरोपी रफीक चौधरी वहां से बांद्रा के लिए ट्रेन के जरिए रवाना हो गया, जहां क्राइम ब्रांच ने पीछा करते हुए मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन है पाली जिले का, वहां से इसको अपने कस्टडी में लिया है और अपने साथ मुंबई लेकर गई है। खास बात यह है कि जो आरोप मास्टरमाइंड है रफीक चौधरी, ये कुर्ला इलाके में चाय की होटल चलाता है और जो अब तक इनपुट क्राइम ब्रांच के हाथ लगे हैं, मुंबई के जो शार्प शूटर हैं वो इसकी दुकान पर ही चाय पीने आते थे और वहीं से ही पूरा सलमान खान के निवास स्थान पर फायरिंग करने का प्लान बनाया गया था और उसी के तहत इसकी गिरफ्तारी मुंबई क्राइम ब्रांच की ओर से की गई है, जिसको लेकर पूछताछ में और भी कई खुलासे किए जाएंगे। चलिए सुभाष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।